ये तो गजब हो गया। पठान फिल्म ने सबके रिकॉर्ड तोड़ दिए। पिछले साल जो भी नुकसान हुआ उसकी भरपाई हो गई। अबे कितना कलेक्शन किया ये तो बता दे। एक बार तरुण आदर्श का पेज देख ले, पता चल जाएगा असली किंग कौन है। तरुण आदर्श को मैंने अनफॉलो कर दिया था रक्षाबंधन के बाद, इसलिए मुझे कलेक्शन के बारे में कुछ नहीं पता। तरुण आदर्श को मैंने भी अनफॉलो कर दिया था लाल सिंह चड्ढा के बाद। तो फिर तुम दोनों के आर के को फॉलो करते हो क्या? लाल सिंह चड्ढा के बाद मैंने सोशल मीडिया से दूरी बना ली। अब मैं अच्छी स्क्रिप्ट पे काम करूंगा। ये शाहरुख ने मेरे साथ गलत किया, फर्स्ट डे कलेक्शन में वार को पीछे डाल दिया। ये गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। मामा मिया शाहरुख की पठान ने बाहुबली केजीएफ पुष्पा सबके रिकॉर्ड तोड़ दिए। अब इसके बाद आई एम जोकिंग भी बोल दे। मामा मिया आई एम नॉट जोकिंग, पठान ने 4 दिन में 500 करोड़ का आंकड़ा पूरा कर दिया। ऐसी बात है तो कसम खा अनन्या पांडे की एक्टिंग की। मामा मिया कसम खा के कहता हूँ आई एम नॉट जोकिंग। मानना पड़ेगा शाहरुख भाई को, पिछले साल यशराज को जितना भी नुकसान हुआ उसकी भरपाई अकेले पठान ने करके दिखा दी। अब पठान पटाखे भी फोड़ेगा और आगे भी ऐसे रिकॉर्ड तोड़ेगा। जैसे ये फिल्म कमाई कर रही है, लगता है 5,000 करोड़ की लाइफ टाइम कमाई कर देगी। पठान को जो करना था वो कर दिया, वो भी सिर्फ 4 दिन में। अब मैं आगे की नहीं सोचता। क्या बात है शाहरुख, तूने तो बाहुबली का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया कलेक्शन के मामले में। आपकी ट्रिपल आर भी सबके रिकॉर्ड तोड़ रही है। आशा करता हूँ कि ट्रिपल आर ऑस्कर भी लेके आ जाए। गोल्डन ग्लोब तो मिल गया, अब अगर ऑस्कर भी मिल गया तो अच्छी बात है। अब पठान का रिकॉर्ड तो टाइगर तोड़ेगा। पहला जादू हो गया, टाइगर तो वॉर में मर गया था, जिंदा कैसे हो गया? छोटा बच्चा ही क्या, मैं तो मेरे टाइगर 3 की बात कर रहा हूँ। मेरी भी भूल आ रही है, अभी साल बॉलीवुड रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़ेगा। साउथ के रीमेक बना बना के बॉलीवुड रिकॉर्ड तोड़ेगा। I am joking. मेरी फिल्म भोला चाहे रीमेक है, लेकिन रीमेक कैसे बनाते हैं मैं सबको बताऊंगा। आखिरी पास्ता, अनन्या पांडे दुनिया की नंबर वन एक्ट्रेस है। मामा मिया ये बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई, दिल से खुश हो गया मैं। बहुत बहुत धन्यवाद मामा मिया। मामा मिया आई एम जोकिंग। वैसे स्पाई यूनिवर्स का असली विलन कौन होगा, कोई बताएगा? मुझे सुनना है, कोई बताएगा? इस यूनिवर्स का जो भी विलन होगा वो हमसे नहीं बच पाएगा। आप चिंता मत करो, मैंने सिद्धार्थ आनंद से बात कर ली है। इस यूनिवर्स में असली विलन मैं हूँ, आप सब पे मैं अकेला भारी हूँ। इस स्पा यूनिवर्स में मैं राज करूँगा। मामा मिया ये तो थेनोस से भी बड़ा विलन बनेगा।